बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश कोरोना काल गर्मी से बेहाल में, और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। देशभर में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है और कई राज्यों में तो पारा 47 डिग्री के पार भी पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इस गर्मी से फिलहाल तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में राहत मिलने वाली है। उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी से 28 मई के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। 29 और 30 मई को इस क्षेत्र में धूल भरी आंधी के साथ ही गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां नौतपे के पहले दिन भीषण गर्मी देखने को मिली। भोपाल में तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 9 जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री के बीच रहा। सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो में 46.6 डिग्री सेल्सियस पर रहा। इसके बाद खरगोन मुरैना में तापमान 46 डिग्री रहा, और साथ ही ग्वालियर में भी तापमान 45 डिग्री के पार ही दर्ज किया गया है। और राजधानी भोपाल से हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं दुर्गेश। दुर्गेश, नौतपे शुरू हो चुके हैं और आज उसका दूसरा दिन है। अगर बात पहले दिन की करें तो किस तरह के हालात देखे गए? बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पूरे देश में ही नौतपा का आज दूसरा दिन है, और पहले दिन ही नौतपे से बेहाल कर देने वाले तापमान नोट किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा यदि गर्म शहर रहा वह खजुराहो, जो करीब 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां का नोट किया गया था। वहीं पर यदि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में करीब 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है, जहां तक बताया जा रहा है कि ये नौतपे के पहले दिन ही इतनी भीषण गर्मी देखने को मिली है। अमनदीप, हमारे साथ में वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी भी मौजूद हैं, चलिए उनसे हम कुछ ताजा जानकारी लेते हैं। सर, जिस तरीके से नौतपा का आज दूसरा दिन है, तो कहां तक, किस हद तक ये पारा जा सकता है? पहले दिन ही इतनी गर्मी का सामना करना पड़ा है जनता को। तापमान जो है 47 डिग्री के आसपास खजुराहो में दर्ज किया गया है, और हमारा अनुमान है कि 47 तक जो है टेम्परेचर जो है आगामी एक दो दिनों में जाने की संभावना है। और इस दौरान जो है पूरे नॉर्थ मध्य प्रदेश, जिसमें ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर जो संभाग के जिले हैं, यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो रहेगी और 46-47 के आसपास रहेगा। बाकी जगहों पे जो तापमान है निमाड़ वगैरह में या बाकी जो है, वहां पर भी आज तापमान 45 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जिसमें जबलपुर, भोपाल शामिल है। अच्छा सर, जिस तरीके से इतना तापमान पहले दिन नौतपा का रहा, ऐसे में जो हीट वेव है ये कब तक रहेंगी और किस टेम्परेचर में ये रहती है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, 45 डिग्री के ऊपर तापमान हो जाए या फिर सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक हो तो ये हीट वेव होता है, और सीवियर हीट वेव 47 डिग्री या उससे अधिक, और जो डिपार्चर है सामान्य से 6.5 डिग्री से ज्यादा हो, तब जो है ये सीवियर हीट वेव कहलाता है, तीव्र लू चलने की बात रहती है। अब रही बात जो है ये जो है कब तक रहेगी, तो ये 28-29 तारीख तक रहने की संभावना है। उसके बाद फिर मौसम में परिवर्तन आएगा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी और भी हो सकती है, तो तापमान में परिवर्तन आएगा, तो उस समय फिर जो है ये लू की जो स्थिति है इसमें इम्प्रूव होगा। नौतपा का आज दूसरा दिन है, उसके 9 दिन तक माना जाता है कि बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है, जनता को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में यह किस अनुमान से 28-29 तारीख तक आप बोल रहे हैं कि 28-29 तक गर्मी रहेगी, उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, क्या वजह है? जिससे मैंने आपको बताया कि 28-29 तारीख के आसपास, 29 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, साथ ही साथ अरब सागर में भी एक सिस्टम बनने की संभावना है, उसके कारण जो है आर्द्रता जो है आएगी मध्य प्रदेश में, तो बादल बनेंगे और उसके कारण जो है बूंदाबांदी की भी संभावना है, और उसके कारण जो है ये जो लू की स्थिति है इसमें कुछ इम्प्रूव होगा, लू की स्थिति कम जगहों पे रहने की संभावना है। प्री मानसून की क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं?
देखिए प्री मानसून तो मार्च के महीने से शुरू हो जाती है, मार्च से लेकर मई तक का महीना जो है प्री मानसून कहलाता है। और ये तो जो है बीच बीच में अभी पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है, जिसके कारण जो है ये लू की स्थिति बनी है। नहीं तो अभी जो है हफ्ते दिन दस दिन पहले जो है पश्चिमी विक्षोभ था, जिसके कारण लगातार प्री मानसून एक्टिविटी हो रही थी, और अभी जो है 30 तारीख के आसपास जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ प्री मानसून एक्टिविटी फिर से होगी। अमनदीप आपका कोई सवाल? हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं अजय शुक्ला जी। जी जैसे कि दुर्गेश देखा जाता है कि अक्सर नौ तपे में बारिश हो जाती है, तो क्या इस बार बारिश की भी संभावना, और कहा यह भी जाता है कि अगर नौ तपे में बारिश हो जाती है तो बाद में बारिश कम होती है? बिल्कुल अमनदीप, जैसा कि अजय शुक्ला ने बताया कि 28-29 तारीख तक इसी तरह से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो पश्चिमी विक्षोभ है वहां से और अरब सागर में कुछ सिस्टम बन रहा है जहां से थोड़ा बूंदा बांदी के आसार लगाए जा रहे हैं प्रदेश में, तो हो सकता है नौतपा के बीच में ही थोड़ा सा बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक ने अब बताया है दर्शकों को। जी बिल्कुल दुर्गेश, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। ग्वालियर से हमारे साथ में विनोद शर्मा भी जुड़ गए हैं। विनोद, अगर हम कहें कि कुदरत अपना कहर दिखा रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पहले हम देख रहे हैं कि कोरोना के चलते वैसे ही लोग परेशान हैं, और अब तापमान में भी लगातार जो देखा जा रहा है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, उससे और ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अगर बात हम करें ग्वालियर की, तो किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? तापमान है वो अक्सर बढ़ता है, हर साल की ये स्थिति है, और चूंकि नौतपा होती ही इसलिए है कि नौतपा में जितना अच्छा तपता है यानी जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उसने आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये मानसून के लिहाज से भी काफी अच्छा माना जाता है, और जब अभी आपने जैसा कहा था कि नौतपा में अगर बारिश हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसको ये माना जाता है कि आने वाले समय में बारिश नहीं होगी और अच्छी बारिश नहीं होगी, लिहाजा नौतपा 9 दिन के पूरे तपने चाहिए और अच्छे तपने चाहिए। ये माना जाता है कि नौतपे जो है वो पहले से ही निर्धारण होते हैं कि इन दिनों में गर्मी ज्यादा पड़ेगी। अभी ग्वालियर में 22 मई से लेकर और आज तक जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस रहा, और कल नौतपा के पहले दिन 45.7 डिग्री सेल्सियस चला गया। आज जो मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि तकरीबन 46 डिग्री सेल्सियस उससे ऊपर जा सकता है नौतपा में जो तापमान है, और लोगों को अभी गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा, गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान से जो हवाएं आ रही हैं गर्म उसका इफेक्ट ग्वालियर और आसपास के जो अंचल में देखने को मिलता है। लेकिन ये बात भी सही है कि कोरोना के बीच में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है लोग उससे इसलिए परेशान है कि अक्सर होता ये रहा है कि जब गर्मी के मौसम में बाजार में कई तरह के शीतल पेय मिलते रहते थे, चाहे गन्ने का रस हो या फिर बेल फल हो, नींबू शिकंजी हो, तो तमाम तरह के ऐसे शीतल पेय लोगों को मिलते थे जिससे वो बाजार में अगर निकलते थे किसी काम से जाते थे तो उससे उनको राहत मिल जाती थी शीतल पेय का। वो कोरोना वॉरियर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धूप में दिन रात खड़े होकर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन पर वाकई में काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 मिनट भी धूप में खड़े होना मुझे लगता है काफी मुश्किल होता है, और वो दिन भर धूप में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कई पुलिसकर्मियों को, चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको ग्लूकोज और तमाम चीजें देना शुरू कर दी है, लेकिन मास्क लगाए हैं, इसके अलावा तमाम जो पीपी किट पहनकर कुछ लोग अगर ड्यूटी दे रहे हैं तो भीषण गर्मी में उनको बड़ा परेशानी करना पड़ता है, क्योंकि आइसोलेट सेंटर और जो क्वारंटीन सेंटर है उनके बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात है उनको पीपी किट पहनकर अनिवार्य कर दिया गया है, और ऐसी भीषण गर्मी में पीपी किट पहनकर बाहर खड़े रहना वाकई उनके जज्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य है उस पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। हालांकि महकमे द्वारा उनको कई तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि गर्मी अपने आप में गर्मी होती है, इससे बचाव का केवल एक ही तरीका होता है कि गर्मी से बचा जा सके, जो संसाधन है वो दिए जाते हैं, लेकिन गर्मी से बचना भी बड़ी बात होती है। चूंकि लू चल रही है इस समय और उसके थपेड़े चल रहे हैं, ये भी लोगों को परेशान करके रख दिया है, उनको ड्यूटी पर जो कोरोना वॉरियर्स तैनात है उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करते हम खुद देख रहे हैं उनको इस तरह से, लेकिन अभी ये राहत नहीं मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब तक कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं बनेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का जब सिस्टम बनता है तो उसका असर फिर अंचल पर पड़ता है। अभी फिलहाल कोई सिस्टम बन नहीं रहा, हो सकता है 2-4 दिन में कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसके कारण कुछ मौसम में नदी है। विनोद, मैं आपके पास भी आऊंगी दोबारा से, हमारे साथ में भोपाल से भी संवाददाता दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, कल ही पीपीई किट की जैसा जिक्र किया विनोद ने, कल ही हमने देखा कि हमीदिया हॉस्पिटल से कई कर्मचारी बेहोश होकर गिर गए थे, क्योंकि जो नई पीपीई किट आई है उसमें कहा जा रहा है कि डबल लेयर की जा रही है पॉलिथीन से, और पीपीई किट पहनकर ड्यूटी करना वाकई में काफी मुश्किल है।
बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल हमीदिया अस्पताल में एक डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी को बेहोश हो गए थे, उस पर जिस पर बहुत सारे सवाल जवाब भी उठे थे कि जो पीपीई किट है वह प्लास्टिक की है और उसका जो उसकी क्वालिटी है वह अच्छी नहीं है, मगर उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी बहुत सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ऐसा सामना करना पड़ रहा है स्वास्थ्य कर्मी को। एक तो सबसे पहली गर्मी, कल नौतपा का पहला दिन था, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जो 14 घंटे लगातार बिना कुछ खाए पिए नौकरी कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर की तरह अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो यह भी एक वजह बताई जा रही है कि जिस तरीके से बिना खाए पिए यदि वो मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद पीपीई किट जो प्लास्टिक है और गर्मी में और ज्यादा वह हीट पैदा करता है, जिसकी वजह से भी यह कहीं ना कहीं प्रभाव करता है शरीर में, और उसकी वजह से स्वास्थ्य कर्मी पर कल प्रभाव देखने को मिला है। और उसके बाद की यदि हम बात करें तो बॉडी इस स्टेज पर जो नौतपे होते हैं, नौतपे में कहते हैं सबसे ज्यादा भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है, इस टाइम पर बॉडी डिहाइड्रेट मूड में रहती है, यदि हम प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, प्रॉपर पानी की मात्रा शरीर के अंदर नहीं जाती है, तो बॉडी डिहाइड्रेट मोड पर चली जाती है, और डिहाइड्रेट मोड पर ऐसी परेशानियां आती हैं कि चक्कर आना या बेहोश होना, ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर तो कोरोना काल में जो कोरोना वॉरियर लड़ रहे हैं, चाहे वह पुलिसकर्मी हो, चाहे निगमकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, इनके साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह प्रॉपर पानी भी पिए जिससे बॉडी डिहाइड्रेट मोड पर नहीं जाए, क्योंकि लगातार 10 से 14 घंटे की लगातार नौकरी कर रहे हैं, बार बार पानी पीना भी संभव नहीं है। दुर्गेश, पीपी किट पहनकर बार बार पानी पीना या फिर कुछ खाना पीना भी संभव नहीं? इससे पहले भी हम देख रहे थे कि कई सारे ऐसे डॉक्टर सामने आए थे जो कि डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुके थे। बिल्कुल अमनदीप, आपका कहना तो ठीक है, पीपीई किट पहनकर बार बार खाना पीना भी संभव नहीं है, मगर फर्ज निभाने के लिए जीवित रहना भी जरूरी है, तो पीपीई किट पहनकर कुछ समय निकालकर उनको जरूरी है कि प्रॉपर खाना खाएं, प्रॉपर कुछ खाएं और प्रॉपर पानी पिएं। पानी की जितनी ज्यादा मात्रा शरीर में रहेगी उतना कम बॉडी डिहाइड्रेट मोड पर जाएगी और ऐसी परेशानियों से निजात मिलेगी। तो साथ ही साथ जो पीपीई किट पर भी सवाल उठे थे, तो उस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार डॉक्टरों को ऐसी पीपीई किट मुहैया कराना चाहिए जिसकी क्वालिटी उत्तम हो, जो अच्छी क्वालिटी का हो, कि जो अभी गर्मी चल रही है, भीषण गर्मी, उस पर थोड़ा सा कम प्रभावशील हो यह गर्मी, तो यहाँ पर भी प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य कर्मियों के सामने एक बड़ी चुनौती हम इसे कह सकते हैं। हमारे साथ में राजधानी रायपुर से संवाददाता सुप्रिया भी जुड़ गई है। सुप्रिया, क्या कुछ हालात छत्तीसगढ़ के? जी, मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ को लेकर जो है अलर्ट जारी किया है। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर बरपा रहा है, तो वहीं अब गर्मी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। यहां पर अगर तापमान की बात करें तो 45.4 डिग्री रायपुर में आज का तापमान नजर आ रहा है, और साथ ही अगर हम बाकी जिलों की बात करें तो दुर्ग में जो तापमान है वो 45.8 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। साथ ही न्यूनतम तापमान जो है वो जगदलपुर का दर्ज किया गया है, जिसमें 30.8 डिग्री जो तापमान है वो बताई जा रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, और अगर निकलते हैं तो अपने बदन को पूरी तरह से ढक कर बाहर निकले, और साथ ही लगातार जो है कुछ देर में पानी का सेवन करते रहे, और अगर कोई मेहनत कश लोग हैं तो वो खाना खा कर ही जो है काम पर निकले, और साथ ही पानी जो है उसको लगातार सेवन करते रहे। इस तरह की जो एहतियात है वो मौसम विभाग ने दिया है। और साथ ही रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग की बात करें तो उसे ऑरेंज जोन में मौसम विभाग के द्वारा जो है ऑरेंज जोन में शुक्रिया। मध्य प्रदेश की से पहले हम बात ही कर रहे थे कि यहाँ ना तो अब शिकंजी के ठेले लग रहे हैं, ना ही गन्ने का जूस, क्योंकि इन दिनों में देखा जाता है खासतौर पर शिकंजी हो गई या फिर गन्ने का रस हो गया, कुछ इस तरह का ठंडा, ताकि आते जाते राहगीर या फिर जो लोग बाहर निकलते हैं वो पानी की कमी पूरी कर सके, और उससे उन लोगों का रोजगार भी काफी अच्छा चलता है इन दिनों में। मध्य प्रदेश में तो खैर इसकी छूट नहीं है, छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं इसको लेकर? छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल तमाम बाजारों को जो है वो खोला गया है, लेकिन इस तरह के जो शिकंजी वगैरह के जो ठेले की आप बात कर रही हैं तो वो जो छत्तीसगढ़ पे वो भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन बाजार जो है वो तमाम बाजारों को खोला गया है।
कुछ दुकानों को जो है वो एक निर्धारित समय के लिए खोला गया है, शाम 6 बजे तक अब दुकानों को खोला जाएगा। लेकिन जैसे जगह जगह पर शिकंजी मिलते थे और इस तरह से जो मटके में पानी जो थे वो मिलते थे, तो इस तरह के जो अलग अलग जगहों पर गर्मी के दिनों में व्यवस्थाएं की जाती थी, तो उस तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। और लॉकडाउन के दौरान जो है काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। यहाँ पर गर्मी जो है वो काफी ज्यादा है, रोज अभी एक हफ्ते तक मौसम विभाग ने कहा है कि लू चलने की संभावनाएं हैं, और ऐसे में लोग जो है वो बेवजह घर से बाहर ना निकले। अगर कोई अति आवश्यक शुक्रिया जिस तरह से आपके पीछे में तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि लोग आना जाना कर रहे हैं बड़ी संख्या में। कोरोना तो कोरोना का कहर तो क्या, उनको तो गर्मी भी रोक नहीं पाई, भारी धूप हो रही है बाहर, फिर भी जो आवाजाही है वो बड़ी संख्या में जारी है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कोरोना का डर भी नहीं है यहाँ के लोगों को, तो वही गर्मी के वजह से भी किसी को डर नहीं है। सब यहाँ पर जो है लापरवाह है और सभी जो है लगातार बाहर निकल रहे हैं, भले ही नहीं कुछ काम हो या ना हो, लेकिन बेवजह घूमने की वजह से भी कुछ लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। यही कारण है सुप्रिया की जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वापस आऊंगी मैं आपके पास में। दुर्गेश, लोगों का पलायन जैसा कि हमने देखा कि लगातार जारी है, सरकार द्वारा इंतजाम भी किए गए हैं, ट्रेनें भी चलाई गई हैं, बस का भी इंतजाम है, बावजूद इसके जो लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि पलायन लोगों का, मजदूरों को लगातार जारी है। तो पहले तो वो वैसे ही परेशान थे क्योंकि रास्ते में खाना नहीं मिलता था, पैदल चल के लंबा सफर तय करना था, और अब एक और जो परेशानी है वो और बढ़ गई है कि अब धूप का जो कहर है वो भी बरप रहा है अच्छे से। बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं कि लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से मजदूरों का जो पलायन है, दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्य, दूसरे जिलों से अपने गृह जिलों पर पलायन जारी है। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, कहीं ट्रेनें चलाई जा रही हैं, श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें भी चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ कुछ वीडियो सामने आ रहे थे जहाँ पर जो हाईवे हैं वहां से मजदूरों का लगातार पैदल चलना जारी था, तो उसको देखते हुए भी कुछ संस्थाएं हैं, संस्थानों ने भी कुछ प्रयास किए हैं कि लोगों को जो पैदल चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, उनके लिए चप्पलें मुहैया कराई जाए, रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही साथ प्रशासन ने भी इस तरह से कदम उठाए हैं कि उनके लिए प्रॉपर बसों की व्यवस्था करवाई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं कुछ वीडियो ऐसे सामने आ जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। तो इसके लिए भी प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, इसके लिए भी प्रशासन को एक उच्चतम व्यवस्था करवाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब नौ तपा चालू हो गए हैं, पूरी गर्मी तो कोरोना में निकल गई और साथ ही साथ नौ तपा के ठीक पहले तक वीडियो हमें देखने को मिलते थे, और यदि नौ तपे में भी ऐसी सिचुएशन रही तो बहुत कोरोना से ज्यादा और भी परेशानियों का सामना इन मजदूरों को करना पड़ सकता है। जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी रहेगी तो उसमें एक तो गर्मी, फिर उसके बाद यदि नंगे पैर रहे तो पैरों में भी जिस तरीके से परेशानियां हैं, यदि उनके पास जूते चप्पल नहीं है तो भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो वीडियो हैं ये आ रहे हैं, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जी चलिए दुर्गेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और राजधानी रायपुर से भी हमारे साथ में सुप्रिया जुड़ी हुई थी, सुप्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और ग्वालियर से हमारे साथ में संवाददाता विनोद जुड़े हुए थे, विनोद आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज नौ तपे का दूसरा दिन है, गर्मी अपना कहर बरपा रही है, और इस खास पेशकश में हमारी बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।